हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 18। हम आज डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स, हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 17 तक कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से उनको पढ़ना है। अगर आप पार्ट 18 देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले के पार्ट्स जरूर कवर कर लीजिए। हमने हर वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से, वहां पर मैं एमपीजी के साइंस, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस सब डिस्कस करता हूं, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ज्योग्राफी का सेशन रहेगा आज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे 15 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे और पार्ट रहेगा हमारा 18। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे आज के सेशन का, नो क्रैक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो नो क्रैक राष्ट्रीय उद्यान है वो मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? तो मेघालय में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि नो क्रैक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको डायरेक्ट आंसर मार्क करना है कहां पर है, ये मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे युवा वलित पर्वत कौन से हैं? तो दुनिया के सबसे युवा वलित पर्वत जो है वो हिमालय, क्या है? हिमालय। हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय जो है वो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। दुनिया के सबसे युवा वलित पर्वत जो है वो है हिमालय, ठीक है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कोर जिम्मेदार है, ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम बोला जाए तो कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है, यहां मेंशन कर देता हूं तो आपको पता चल जाएगा, कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है, तो आपको आंसर करना है कोर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल की कौन सी परत में मनुष्य रहते हैं? तो वायुमंडल की शोभ मंडल परत है, उसमें मनुष्य रहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ह्यूमन लिव्स इन ट्रोपोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायुमंडल की शोभ मंडल में मनुष्य रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की कौन सी परत का तापमान सबसे कम है? तो पृथ्वी की क्रस्ट परत का तापमान सबसे कम है, ठीक है, क्रस्ट जो है उसका तापमान क्या है, सबसे कम है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको डायरेक्ट आंसर मार्क करना है कि पृथ्वी की क्रस्ट परत जो है उसमें उसका जो तापमान है वो सबसे कम है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस शहर को सिटी ऑफ वॉटरफॉल के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, रांची। रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रांची को सिटी ऑफ वॉटरफॉल या झरनों के शहर के रूप में जाना जाता है। दशम जलप्रपात, चोना जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात और हुंडू जलप्रपात, ये सब रांची के आसपास स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो किस शहर को सिटी ऑफ वॉटरफॉल के रूप में जाना जाता है, तो आपको आंसर करना है रांची। नेक्स्ट पॉइंट है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो जो गिरनार पहाड़ियां हैं वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो आपको आंसर करना है गुजरात में, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध मरकरी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है, हाईएस्ट एवरेज डेंसिटी। ठीक है, औसत घनत्व सबसे अधिक वो है मरकरी का, किसका है, बुध का है। ठीक है, और सबसे कम भी पूछा जा सकता है, सबसे कम औसत घनत्व किस ग्रह का है, तो आपको आंसर करना है शनि, सैटर्न। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे अधिक औसत घनत्व किसका है, बुध का है, और सबसे कम औसत घनत्व किसका है, तो शनि का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गोदावरी। क्या है, गोदावरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है गोदावरी। ठीक है, और ये जो गोदावरी है वो कहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है, और आखिरी में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पूछा जाता है कि ये कहां से निकलती है, तो ये कहां से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये आप लिख लीजिए, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और गोदावरी नदी की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो है 1465 किलोमीटर। कितनी है, 1465 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दिबांग रिवर ब्रिज किस राज्य में स्थित है, तो दिबांग रिवर ब्रिज जो है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर लंबा पुल है, ये 6.2 किलोमीटर लंबा पुल है, सिकंग नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, किस रिवर के ऊपर बनाया गया है, सिकंग नदी। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि दिबांग रिवर ब्रिज भारत के किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, यह 6.2 किलोमीटर लंबा पुल है और यह सिकंग नदी पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। किस राज्य में, उड़ीसा में स्थित है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उड़ीसा में स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1988 में। कब हुई है इसकी स्थापना, 1988 में हुई है। ठीक है, और इसे 2002 में रामसर स्थल बन गया। कब, 2002 में ये क्या बन गया है, रामसर स्थल बन गया। ठीक है, और यह सदाबहार पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सदाबहार पारिस्थितिकी तंत्र है, और खारे पानी का मगरमच्छ यहाँ पाया जाता है जो आकर्षण का केंद्र है। ठीक है, तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और 2002 में यह रामसर स्थल बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती। ताप्ती रिवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली नदी है, और इस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है, और इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में मुलताई रिजर्व वन के पास स्थित है। ठीक है, तो किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है, तो आपको आंसर करना है ताप्ती रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण और वन्य मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों को इसके परिदृश्य, जैविक विविधताएं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कोल्ड डेजर्ट में पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल, सरचू और किब्बर वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये आ सकता है कि
कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो आपको आंसर करना है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलप्रपात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच की सीमा का हिस्सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुदुमा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुदुमा जलप्रपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुदुमा जलप्रपात आंध्र प्रदेश के उड़ीसा के कोरापुट जिले और विशाखापट्टनम जिले की सीमा पर स्थित है। यह जलप्रपात 175 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी हाइट कितनी है? 175 मीटर। और दुदुमा जलप्रपात का निर्माण मचकुंड नदी द्वारा होता है। कौन सी नदी? मचकुंड, ठीक है, यह आप नोट कर लीजिए, मचकुंड नदी द्वारा होता है। ठीक है, तो कौन सा जलप्रपात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच की सीमा का हिस्सा है? तो आपको आंसर करना है दुदुमा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भूकंप के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सिस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिस्मोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान भूकंप तथा भूकंपीय तरंगों का अध्ययन है जो पृथ्वी के चारों ओर से होकर गुजरता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमियोलॉजी। सेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सेमियोलॉजी साइन प्रक्रिया का अध्ययन है जिसमें किसी भी प्रकार की गतिविधि आचरण या किसी भी प्रक्रिया के संकेत शामिल है। अब हम डिस्कस करते हैं लिथोलॉजी। लिथोलॉजी चट्टानों की सामान्य भौतिक विशेषताओं का अध्ययन है। और हिस्टोलॉजी जो है वो है माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी गई कोशिकाओं ऊतकों और अंगों के माइक्रोटोमी का अध्ययन है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है। भूकंप के अध्ययन के रूप में किसको जाना जाता है? सिस्मोलॉजी को कहा जाता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टडी से रिलेटेड कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।